तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स एक साल में आपको देखने को मिली है और काफी सारी थीम्स चली, पर्टिकुलरली पीएसयू थीम्स आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दी। अब यहाँ से काफी सारे लोगों के सवाल आते हैं, पीएसयू की कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, सेक्टर्स में, बैंक्स में। देखिए, पीएसयू वाली जो थीम है वो काफी अच्छी रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुकी है, लेकिन कुछ कंपनीज, कुछ थीम्स अभी भी स्टॉक मार्केट में ऐसी हैं, सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको अभी भी रिटर्न्स देखने को नहीं मिली है। 3 साल से ज्यादा हो चुका है अब, लेकिन धीरे धीरे इन सेक्टर्स पे भी आपको फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की जो खरीदारी है वो इंडिया में वापस आते हुए दिख रही है कुछ दिन से। तो इन कंपनीज के लिए ये ओवरऑल पॉजिटिव हो सकता है। दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर की कंपनीज ने रिटर्न्स नहीं दी है, और जैसे जैसे यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होगा वहां पर, इंडिया में आपको एक अच्छी रिटर्न्स आईटी सेक्टर में देखने को मिलेगी। दूसरा, ब्रोकरेज जो कंपनीज हैं वो अभी भी थीम यहां पर काफी अच्छी है, क्योंकि इंडिया में अभी भी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, एफएनओ में ट्रेड हो रहा है, इंट्राडे में ट्रेड हो रहा है, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इन चीजों का ब्रोकरेज कंपनीज हैं, उनके रिजल्ट्स में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। और साथ में जो प्राइवेट बैंक्स हैं वहां पर भी रिटर्न्स नहीं आई है, या तो 3 साल में सेम लेवल्स पे है प्राइवेट बैंक्स, या फिर कम आपको 3 लेवल से भी नीचे देखने को मिलेंगे। तो ये 3 मेजर थीम्स है जहां पर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। इनमें से अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं, सबसे पहले एचसीएल टेक, यहां पर हमने बात की थी, यहां पर एक अच्छा स्कोप है। आप देखेंगे कंपनी 1700-1800 रुपए के लेवल से गिर के अभी 1400 रुपए के आसपास आ गई है। यहाँ 1300 रुपए पे हमने बात की थी शेयर में, और आप देखेंगे ऑलरेडी एक अपवर्ड मूवमेंट इस शेयर ने शुरू कर दी है, और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे, इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। अभी भी कंपनी ओवरऑल अपनी जो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग है उससे नीचे है, रिटर्न्स इसकी काफी अच्छी है लॉन्ग टर्म में अगर हम देखते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ देने वाली कंपनी है, 5 साल 10 साल में अगर आप देखते हैं 15% के आसपास की ग्रोथ है, और शेयर ने भी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दी है। जब आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस आई है, तब भी ये शेयर एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बनाकर देके आ रहा है, और साथ में इसकी जो डिविडेंड यील्ड है ये भी 3.5% के आसपास की है। सिमिलरली आईटी सेक्टर की दूसरी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स, यहां पर कंपनी ने यहां पर भी 3 साल से आप देखेंगे कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं। देख सकते हैं आप, 3 साल पहले 1500 के आसपास ये शेयर था, और वहां से लगातार गिरते गिरते आज 900 रुपए के आसपास है। यहां पर हमने 800 रुपए के आसपास बात की थी शेयर में, आप देखेंगे एक अच्छा सपोर्ट 800 रुपए पे हमेशा से ये शेयर बनाते हुए आया है। 800 रुपए के जो लेवल्स हैं वो काफी की लेवल्स यहां पर रहने वाले हैं, इन लेवल्स को नजर में रखिएगा। जब जब मौका मिले थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जा सकता है, एक अच्छी रिटर्न्स के लिए यहां पर ये शेयर तैयार होते हुए नजर आ रहा है। आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे लगातार सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। हालांकि 1 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन वो सारी नेगेटिविटी अभी प्राइस में आपको आते हुए दिखेंगी। आप देख सकते हैं 3 साल में रिटर्न्स बिल्कुल भी इस शेयर ने जनरेट करके नहीं दी है। तो ये शेयर भी है जो आप अपनी वॉचलिस्ट में जरूर यहां पर ऐड करके रख सकते हैं। सिमिलरली सिर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी, यहां पर भी अगर आप देखेंगे ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और यहां पर आप देख सकते हैं 700 रुपए से गिर के इसका शेयर लगभग 500 रुपए के आसपास यहां पर आया हुआ है, और एक 450 के लेवल्स पे एक अच्छा सपोर्ट है। लगातार आप देखेंगे रिसेंटली हाईएस्ट एवर किसी भी क्वार्टर में सेल्स के नंबर से हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स के नंबर इस कंपनी के देखने को मिले थे, और यहां पर भी अगर आप देखेंगे सेल्स हाईएस्ट एवर है, हालांकि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स गिर गए हैं जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है जो कंसिस्टेंट रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में जनरेट करके दे सकती है। इस सेक्टर की काफी कंपनीज हैं जो ह्यूज रिटर्न्स इस वक्त दे रही हैं, लेकिन इस कंपनी ने अभी भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दी है, तो इस कंपनी पे भी आप नजर जरूर रख के चलिएगा। एक अच्छी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा IIFL सिक्योरिटीज पे हमने कई बार बात की है, मैंने आप देखेंगे लगभग इन लेवल से 140 के लेवल से बात करनी शुरू की थी, मैंने खुद भी इन लेवल्स पे इन्वेस्ट किया था, मैंने सेपरेटली वीडियो में भी आपको बताया था। आज इसका शेयर आप देख सकते हैं 227 रुपए के आसपास यहां पर पहुंच चुका है, तो लगभग डबल इसका शेयर पिछले 1-3 महीने में यहां पर हो चुका है, और
डबल होने के बाद भी अगर आप इसके शेयर को देखेंगे, स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग अभी भी इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग से काफी नीचे यहां पर चल रही है, 13.7 के आसपास। और दूसरी चीज ग्रोथ की अगर आप बात करें, यहां पर आप देखिए क्वार्टरली ग्रोथ देखेंगे 75 करोड़, 108 करोड़, 151 करोड़ और 181 करोड़। तो लगातार इसके प्रॉफिट्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, और अगर नेक्स्ट क्वार्टर में ज्यादा ग्रोथ नहीं आती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और सिमिलर नंबर्स आ जाते हैं, 181 करोड़ के नंबर्स आ जाते हैं, तो भी आप देखेंगे कि ये शेयर फिर से बहुत ज्यादा 10-11 की प्राइस टू अर्निंग पे पहुंच जाएगा और आपको वहां से फिर से ये अंडर वैल्यूएशन देखने को मिलेगी। तो 3 महीने में डबल होने के बाद भी ये शेयर यहां पर अंडर वैल्यूड है, यहां से भी यहां इस शेयर में आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। इस कंपनी पे भी जरूर आप नजर रखिएगा, जब जब इस शेयर में गिरावट आए तो आप इस शेयर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, वॉचलिस्ट में रख सकते हैं शेयर को और जरूर इसको ट्रैक करना अपना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक लगातार रिटर्न ये शेयर दे रहा है और पिछले एक साल में 300% की रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन अभी भी अंडर वैल्यूएशन है अगर हम इस शेयर के ओवरऑल चीजों की बात करते हैं। पेग रेशो भी अगर आप इसकी देखेंगे सिर्फ 0.56 के आसपास की है, तो अंडर वैल्यूड शेयर ये मुझे अभी भी नजर आता है, ऑल टाइम हाई के लेवल्स पे भी यहां से भी अच्छी रिटर्न आ सकती है, क्योंकि ब्रोकरेज जो सेक्टर है, जो सेगमेंट है, वहां पर आप लगातार ग्रोथ देख रहे हैं। इंडिया में जो रिटेल सेगमेंट का एक एंट्री हुई है, जो अच्छी पार्टिसिपेशन हो रही है, उसके फायदे ब्रोकिंग कंपनीज को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत सारी जो ब्रोकिंग कंपनीज है वो 20-25 की पीई पर पहुंच चुकी है और ये कंपनी अभी भी 13.7 की पीई पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, तो इन पे भी नजर रखिए। नेक्स्ट कंपनी जो यहां से इन लेवल से भी अंडर वैल्यूड है वो है कैन फिन होम्स। यहां पर आप देखिए 15 की प्राइस टू अर्निंग, इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग 19.9 के आसपास की, पेग रेशियो इसकी 0.75 के आसपास की, और कंपनी ने अभी रिसेंटली हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज, हाईएस्ट एवर अपने क्वार्टरली प्रॉफिट्स यहां पर पेश किए थे। ग्रोथ यहां पर हो रही है, नंबर्स अगर आप देखेंगे 21% की ईयरली ग्रोथ हुई है, 5 साल में 20% की, 10 साल में 26% की, और शेयर ने 10 साल में 29% के आसपास की ग्रोथ दी है सीएजीआर ग्रोथ। तो कंसिस्टेंट ग्रोइंग कंपनी है, यहां पर 800, 750, 800 के लेवल्स पे जब जब आता है एक अच्छा सपोर्ट कंपनी के शेयर ने बनाया। यहां देखिए 746, 740, 750, 750, 60 के लेवल्स हैं जहां पर एक कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा सपोर्ट वे बनाती हुई नजर आ रही है। तो इस कंपनी के शेयर में भी आपको अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करके जरूर रख लेना है। और आखिरी कंपनी जेंसोल इंजीनियरिंग, यहां पर भी इस कंपनी में भी अगर आप देखेंगे, हम लोग इन लेवल से बात करते हुए आ रहे हैं, 850 के लेवल्स पे मैंने खुद भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था जब हमने बात की थी, और यहां से ये शेयर 1072 के आसपास यहां पर हो चुका है। यहां पर हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स आए थे कंपनी के, अगर हम इन नंबर्स की बात करें 963 करोड़ के आसपास की इसकी सेल्स है, लेकिन 3000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स इनके हाथ में इस वक्त आ चुके हैं। 1300 करोड़ का रिसेंटली ऑर्डर मिला था, उससे पहले 1700 करोड़ का कंपनी ने एक अपडेट दिया था कि इनके हाथ में ऑर्डर है अगले 12 से 18 महीने में पूरे करने के लिए। तो जितने इनके लास्ट ईयर में सेल थी उसके 3 गुना ऑर्डर्स इसके पास इस वक्त हैं जो उनको 12 से 18 महीने में पूरे करने हैं। सोलर की ईपीसी बनाने की कंपनी है ये, सोलर कंसल्टिंग और ईपीसी का काम कर रही है, इसके साथ ईवी मैन्युफैक्चरिंग का अप्रूवल्स इनको मिल चुके हैं। तो ये कंपनी आने वाले टाइम में एक अच्छी ग्रोथ की पोटेंशियल रखती है, हालांकि थोड़ी सी रिस्की कंपनी रहने वाली है, पेशेंस रखना पड़ेगा। गिरावट आती है अगर इस शेयर में 800, 825, 900 के लेवल्स पे आपको फिर से मिलता है तो आप इस शेयर में अपनी एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस कंपनी में। थोड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो ही जेंसोल इंजीनियरिंग के बारे में आप सोचिएगा और वो सारी चीजें इसके जो रिस्क है वो ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ शेयर्स हैं दोस्तों जो यहां पर भी अंडर वैल्यूड नजर आते हैं, जो यहां से भी अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे सकते हैं। तो इन कंपनीज को आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं अपने हिसाब से और उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टिंग का। याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय ये वीडियो नहीं देती है। धन्यवाद।